हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू शानी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिससे एक इन्फ्लुएंसर कुछ सवाल पूछ रही होती है। इन्फ्लुएंसर शुमो से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है, तो शुमो कहती है कि ब्लू। इसका फेवरेट फल ऑरेंज और फेवरेट मूवी अबाउट टाइम होती है। इन्फ्लुएंसर पूछती है कि अगर तुम्हारी मुलाकात काफी टाइम बाद अपने सीक्रेट क्रश से हो तो तुम उससे क्या कहना चाहोगी। शुमो कहती है कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे याद होगा। अब ये इन्फ्लुएंसर शुमो को इसका गिफ्ट दे देती है। शुमो इसको थैंक्स बोलकर चली जाती है। अब यहाँ से इस ड्रामा का मेन लीड गुजर रहा होता है। ये इन्फ्लुएंसर अब इससे सवाल पूछने लगती है। ये वही सवाल हमारे मेन लीड से भी पूछती है और इसके जवाब बिल्कुल शुमो जैसे होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर पूछती है कि अगर काफी टाइम बाद तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे सीक्रेट क्रश से हो तो तुम उसको क्या कहना चाहोगे। ये कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उसको मैं याद हूँगा। चांग साओ अपना गिफ्ट लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। इस इन्फ्लुएंसर की टीम कह रही होती है कि ये दोनों दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। शुमो ब्लाइंड डेट पर आई होती है। ये जो पर्सन होता है ये पहले ही शुमो को पसंद नहीं आ रहा होता। इतने में वेट्रेस आती है, गलती से गर्म पानी इस आदमी के हाथ पर गिर जाता है और ये आदमी वेट्रेस पर बहुत गुस्सा करता है। ये देखकर शुमो को अच्छा नहीं लगता और ये इसी वेट्रेस के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, क्योंकि गर्म पानी इसके हाथ पर भी गिर गया होता है। शुमो इस वेट्रेस के लिए कुछ आइस क्यूब्स बाय कर लेती है। ये देखकर ये वेट्रेस शुमो को थैंक्स बोलती है। चांग साओ का दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम अचानक ही वापस आ गए, तुमने आने से पहले मुझे बताया ही नहीं। चांग साओ कहता है कि तुम भी तो अभी वापस आए हो, तुम बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इसका दोस्त पूछता है कि तुम कितने टाइम के लिए यहाँ पर रुक रहे हो। चांग साओ कहता है कि मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, इसलिए अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनकर ये बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि चलो हम साथ में डिनर करते हैं। दूसरी तरफ शुमो को उसकी मॉम डांट रही होती है कि तुम्हें ये लड़का भी पसंद नहीं आया। शुमो कहती है कि मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, लेकिन आप हमेशा ही मुझे फोर्स करके भेज देती हैं। इसकी मॉम डांटे जा रही होती है तो शुमो अपनी दोस्त का नाम लेकर कॉल बंद कर देती है। सोंगनियन कहती है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये तुम्हारी 6वीं ब्लाइंड डेट थी ना, इतने लड़कों से मिलने के बावजूद भी तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आया। शुमो कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, उनको बस यही लगता है कि मैं उनके लिए सूटेबल हूँ। सोंगनियन कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद सभी लोग सूटेबल पार्टनर ढूंढते हैं, प्यार को कोई भी अहमियत नहीं देता, प्यार तो सिर्फ कॉलेज टाइम का ही हिस्सा रह जाता है। सोंगनियन शुमो से कहते कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो हमारे हाई स्कूल में था। शुमो कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। सोंगनियन कहती है कि जो तुम्हारे साथ डेस्क शेयर किया करता था। चांग साओ का दोस्त उसको बता रहा होता है कि मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि मुझे अब उनकी कंपनी ज्वाइन करनी होगी, इसलिए मेरे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। चांग साओ कहते हैं कि तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए। ये कहकर चांग साओ बिल पे करने के लिए चला जाता है। चांग साओ अपना नाम सुनते ही पीछे मुड़कर देखता है तो शुमो ये कह रही होती है कि इतनी पुरानी बात है, अगर अब वो मेरे सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो शायद मैं उसको पहचान ना सकूं। ये सुनने के बाद चांग साओ यहाँ से चला जाता है और शुमो इसको जाते हुए बहुत गौर से देख रही होती है। सोंगनियन पूछती है कि क्या हुआ है। शुमो कहती है कि ये लड़का जाना पहचाना दिखाई दे रहा था। जैसे ही शुमो घर पहुँचते तो इसको ग्रुप लीडर का मैसेज आता है कि कल की प्रोजेक्ट मीटिंग बहुत अहम है, इसलिए तुम लेट मत होना। अगले सुबह शुमो जब ऑफिस आते तो सभी एम्प्लॉयज इस मीटिंग की वजह से नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं। इसके कुलीग कह रही होती है कि मैंने सुना है कि आज एक नया डायरेक्टर आने वाला है और मैंने सुना है कि वो काफी स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल है। अब ये सब लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद ये नया डायरेक्टर भी आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि चांग साओ ही होता है। शुमो जैसे ही चांग साओ को देखती है तो कहती है कि ये तो शीशे है और उसको याद आता है कि हाई स्कूल में चांग साओ शुमो की क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आया होता है। चांग साओ को देखकर शुमो को कंफर्म हो जाता है कि ये इसका हाई स्कूल का क्लासमेट है, लेकिन सब लोग इसको डायरेक्टर चांग कह रहे होते हैं। तो ये अपनी कोलीग से पूछती है कि क्या ये वही डायरेक्टर चांग है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तो उसकी कोलीग कहती है कि हाँ, अब मिस्टर लाओ चांग साओ को अपने इस सेशन के प्लान के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन चांग साओ को मिस्टर लाओ का प्लान अच्छा नहीं लगता। शुमो की कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है तो प्लान बी चांग साओ को शुमो एक्सप्लेन करने लगती है। शुमो कहती है कि हम लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने होम टाउन को एक्सप्लोर करें। चांग साओ कहता है कि दोनों प्लान के मुकाबले में मुझे ये प्लान काफी अच्छा लगा है। चांग साओ शुमो से कहता है कि तुम अपने प्लान सी पर काम करो। अब चांग साओ जब यहाँ से जा रहा होता है तो शुमो इसको आकर रोकती है। चांग साओ जब रुक जाता है तो शुमो से कहती है कि मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। शुमो इससे पूछती है कि क्या तुम शिष्य को जानते हो। चांग साओ जब कोई जवाब नहीं देता तो शुमो जल्दी से कहने लगती है कि जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आप मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट से मिलते हैं, बस इसीलिए मैं पूछ रही थी। चांग साओ कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो हूँ। शुमो हंसते हुए कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आपको करीब से देखा
देखा जाए तो आप उससे ज्यादा हैंडसम है। चांगसो कहता है कि हाई स्कूल क्लासमेट ही काफी पुरानी बात है, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा कि वो कैसा दिखता था, इसलिए तुम उसको पहचान नहीं सकती। यही बात कल शुमू ने सोंग नियन से रेस्टोरेंट में कही होती है। ये कहने के बाद चांगसो यहाँ से चला जाता है। शुमू भी यही सोच रही होती कि ये डायलॉग जाना पहचाना लग रहा है। अब सोंग नियन इससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर है तो तुम मुझे दिखाओ। शुमू कहती है कि मुझे इंटरनेट पर उसकी कोई भी तस्वीर नहीं मिल रही, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन करो, वो दोनों वाकई में ही काफी मिलते हैं। सोंग नियन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हाई स्कूल खत्म किए हुए हमें 10 साल बीत गए हैं, इतने लंबे टाइम में तो सभी लोग चेंज हो जाते हैं। शुमू कहती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन सोंग नियन इसकी बात काटते हुए कहती है कि अगर तुम इतना ही क्यूरियस हो तो मेरे पास एक आइडिया है, कल तुम्हें उसकी कंपनी मीटिंग के लिए जाना है ना, तो तुम उसकी पिक्चर खींच लेना, मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगी। शुमू कहती है कि ठीक है। अगली सुबह जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो शुमू मीटिंग रूम के बाहर आकर चांगसाओ की पिक्चर खींचने लगती है। शुमू चांगसाओ की पिक्चर जल्दी से खींच कर सोंग नियन को सेंड कर देती है, लेकिन गलती से प्रोजेक्टर पर भी इसकी वी चैट सभी देख लेते हैं। चांगसाओ शुमू की कुलिक से कहता है कि उसको बुलाकर ये बंद करवाओ। शुमू की कुलिक बाहर आकर इसको ये बात बताती है, कहती है कि डायरेक्टर चांग की तस्वीर अभी भी प्रोजेक्टर पर शो हो रही है। ये सुनकर शुमू शॉक हो जाती है। शुमू के कुलिक्स ये कह रहे होते हैं कि क्या इसको डायरेक्टर चांग पर क्रश है। अब शुमू बहुत हिम्मत करके मीटिंग रूम के अंदर आती है। शुमू आकर सबसे कहने लगती है कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि किसने मुझे इंस्पायर किया है, लेकिन आप लोगों ने पहले ही ये सब देख लिया है। अब कवर करने के लिए मिस्टर लाओ भी शुमू की मदद करते हैं, कहते हैं कि शुमू के पास हमेशा ही बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, जरूर ये कोई नया प्रपोजल तैयार कर रही होगी। शुमू बहुत चालाकी से अपने होम स्टे वाले प्लान को इसके साथ लिंक कर देती है और एक मूवी के कैरेक्टर का नाम लेकर कहने लगती है कि डायरेक्टर चांग बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। अपना आइडिया बताने के बाद शुमू कहती है कि इस आइडिया की इंस्पिरेशन मुझे डायरेक्टर चांग से मिली है, मैं अपने फ्रेंड के साथ यही शेयर कर रही थी, लेकिन आप सब लोगों ने पहले इसको देख लिया, इसके लिए शुमू सबसे सॉरी करती है। चांगसाओ कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपने प्रपोजल पर काम करो। अब मिस्टर लाओ कहने लगते हैं कि हमारी टीम के पास कुछ और केसेस भी हैं, इसलिए हम रुक नहीं सकते, लेकिन शुमू फ्री है इसीलिए ये आपको डिनर पर लेकर जाएगी। शुमू तो ऐसा नहीं करना चाह रही होती, लेकिन मिस्टर लाओ इसकी कोई भी बात सुने बगैर यहाँ से चले जाते हैं। शुमू कहती है कि काफी देर हो गई, अब हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते वो कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से चले जाते हैं। शुमू ये कहने वाली होती है कि सब बिजी हैं तो हम डिनर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन चांगसाओ कहता है कि मैं फ्री हूँ। अब शुमू चांगसाओ के साथ डिनर पर आ जाती है। जैसे ही चांगसाओ कैन खोलता है तो इसको याद आता है कि शीशे भी लेफ्टी था। ये याद आते ही शुमू चांग से पूछती है कि क्या तुम लेफ्टी हो। चांगसाओ कहता है कि मैं दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। शुमू चांगसाओ से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकती हूँ। चांगसाओ कहता है कि कैसी गेम। शुमू कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें जल्दी जल्दी उन सवालों के जवाब देने होंगे। चांगसाओ गेम खेलने के लिए मान जाता है। ये चांगसाओ से पूछती है कि तुम्हारा हाई स्कूल कहाँ पर था। चांगसाओ कहता है कि कैलिफोर्निया में। शुमू इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रही होती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने अपना नाम बदल लिया है। चांगसाओ कहता है कि तुम सीधा सीधा मुझसे मेरा आईडी कार्ड क्यों नहीं मांग लेती। ये सुनकर शुमू एम्बेरस हो जाती है। अब चांगसाओ कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है। जब ये चांगसाओ को बाहर जाता हुआ देख रही होती है तो इसको रियलाइज होता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में इसने चांगसाओ को ही जाते हुए देखा था। वापस आने के बाद शुमू सोंग नियन से कह रही होती है कि मैंने उससे इतनी बार पूछा लेकिन वो एक्टिंग करने में काफी अच्छा, वो यही प्रिटेंड करता रहा जैसे वो मुझे नहीं जानता। ये चांगसाओ पर गुस्सा कर रही होती तो सोंग नियन कहती है कि तुम शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि चांगसाओ अब तुम्हारा क्लाइंट है। आज की मीटिंग के दौरान चांगसाओ कहता है कि मैं आप लोगों के साथ स्पॉट विजिट करने के लिए जाऊंगा। मिस्टर लाओ कुछ कहने वाले होते हैं कि शुमू अपना चेहरा साइड पर कर लेती है। ये देखकर चांगसाओ कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज के साथ जाऊंगा। चांगसाओ जाने से पहले शुमू से कहता है कि तुम भूलना नहीं। शुमू कहती है कि मैं नहीं भूलूंगी, कल सुबह मुलाकात होती है। इसके बाद शुमू सोंग नियन के साथ मार डाली होती है। ये कहने लगती है कि चांगसाओ के नाटक को खत्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। शुमू कहती है कि चांगसाओ को रेड बीन ब्रेड नहीं पसंद। अगले सुबह शुमू जब चांगसाओ के साथ जा रही होती है तो ये इससे पूछती है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है। चांगसाओ कहता है कि नहीं। शुमू चांगसाओ को ब्रेड बीन ब्रेड देते हुए कहती है कि फिर आप ये खा लें। चांगसाओ कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी। शुमू बहुत ज्यादा फोर्स कर रही होती है इसलिए चांगसाओ ये खा लेता है। अब ये दोनों साइट विजिट करने के पास वापस आ रहे होते हैं तो शुमू को यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है कि यहाँ से कुछ ही दूर केबल कार है। शुमू कहती है कि शीशे को हाइट से डर लगता है। अब शुमू चांगसाओ के पास आकर कहने लगती है कि यहाँ की सीनरी कितनी अच्छी, अगर हम माउंटेन की टॉप
जॉब पर नहीं जाएंगे तो ये अफसोस की बात होगी। शंगसो कहता है कि हाँ होगी तो, लेकिन मैं जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन शुमो के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर शंगसो जाने के लिए मान जाता है। केबल कार में खराबी के बायस ये सर्विस बंद होती है। ये देख कर शुमो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। शंगसो कहता है कि केबल कार की सर्विस बंद है तो क्या हुआ, हम नज़ारा देखने के लिए खुद चले जाते हैं। ये सुनते ही शुमो कहती है कि हम फिर किसी और दिन आ जाएंगे। शंगसो कहता है कि तुम मेरे साथ इतनी मेहनत कर रही हो तो मैं तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। अब शुमो को शंगसो के साथ चलकर ही माउंटेन के टॉप पर जाना पड़ रहा होता है। ये सोंगनियन को मैसेज करती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने सिर्फ एक ही इंसान से नफरत की और वो शीशे है। जब ये दोनों टॉप पर पहुँच जाते हैं तो शुमो सोंगनियन को मैसेज करके सारी बात बता देती है। अपने दोस्त का वॉइस मैसेज सुनने के लिए साइड पर हो जाती है। सोंगनियन कह रही होती है कि तुम्हें उसे टीस करना बंद कर देना चाहिए, उसकी स्कीम तुमसे काफी बेहतर है। शंगसो कहता है कि तुम्हें मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्कीमिंग ही तो कर रहा हूँ। ये सुनकर शुमो बहुत हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। शंगसो कहता है कि तुम अगली बार अच्छी क्वालिटी के एयरफोन्स खरीदना। शुमो जब देखती है तो इसके एयरफोन्स फोन के साथ कनेक्ट ही नहीं हुए होते। शुमो जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रही होती है। शंगसो यहाँ से जाने लगता है तो शुमो उसको रोकती है और इसी चक्कर में शंगसो की शर्ट का बटन टूट जाता है। शंगसो कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस शर्ट की कीमत कितनी है। इतने में शुमो को छींक आती है तो ये नाटक करने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया है, शायद इसी वजह से मुझे ठंड लग गई है। मुझे लगता है कि हम दोनों का हिसाब बराबर है। शंगसो मिस्टर लाओ को कॉल करके कहने लगता है कि शुमो की तबीयत खराब हो गई तो क्यों ना हम किसी और को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दें। ये सुनकर शुमो चुप हो जाती है। शंगसो सिर्फ शुमो को तंग कर रहा होता है तो ये देख कर शुमो को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शुमो शंगसो से कह रही होती है कि मुझे ये मेडिसिन चेंज करवानी होगी। शंगसो कहता है कि वो क्यों। शुमो कहती है कि जिन पेशेंट्स को एलर्जी होती है वो ये मेडिसिन नहीं ले सकते। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं एलर्जी की वजह से बेहोश हो गई थी। शंगसो कहते हैं कि तुम्हें चेंज करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हाई स्कूल में इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि तुम्हें सिर्फ पीनट से एलर्जी थी। अगर तुम ज्यादा पीनट नहीं खाते तो तुम कभी भी बेहोश न होती। ये सुनकर शुमो कहती है कि क्या अब तुम मजीद प्रिटेंड नहीं करोगे, क्या तुम्हें ऐसा करके मजा आ रहा था। शंगसो कहता है कि बारबेक्यू रेस्टोरेंट में तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। शुमो कहती है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस इसी बात की वजह से तुमने इतने दिन मुझे पागल बनाने की कोशिश की है। शंगसो कहता है कि मेडिसिन लेने से पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए। अब ये दोनों डिनर करने के लिए आ जाते हैं। शुमो कहती है कि हमने बहुत लंबे टाइम तक डेस्क शेयर किया था तो मुझे तो तुम्हें पहली नजर में ही देख कर पहचान जाना चाहिए था ताकि तुम मेरे साथ ये नाटक ना कर सकते। शंगसो कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले सुबह शुमो सोंगनियन के साथ शॉपिंग के लिए आ जाती है। कह रही होती है कि मिस्टर लाओ जानते हैं कि मुझे ठंड लग गई है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे शंगसो के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए भेज दिया है। अब शुमो सोंगनियन के साथ शंगसो के लिए एक टाई खरीद लेती है। इतने में ही शुमो शंगसो का नाम सुनती है। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़की जिसका नाम चंची होता है वो शंगसो से बात कर रही होती है। शुमो भी इनको देखने लगती है। चंची शंगसो का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मैं अभी कुछ दिन पहले वापस आई हूँ। शंगसो इस लड़की से अपना पीछे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सोंगनियन कहती है कि शंगसो तो मुश्किल में लग रहा है। इतने में इसको एक मैसेज आता है जिसको देख कर ये कहती है कि मुझे अपने एडिटर से मिलने के लिए जाना है तो तुम याद से गिफ्ट ले लेना। ये कहकर सोंगनियन यहाँ से चली जाती है। अब शंगसो शुमो को देख लेता है। शुमो तो जल्दी से साइड पर हो जाती है। शंगसो शुमो को आवाज देता है। जब शुमो को जवाब नहीं देती तो शंगसो उसके पास आ जाता है। ये कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर हो, कैसा इत्तेफाक है। शंगसो कहता है कि क्या हमें देखकर तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। चंची भी फौरन से शंगसो के पास आ जाती है। शंगसो अब शुमो से कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे दोपहर में कुछ बताने वाली हो। शुमो को इसकी बात समझ में नहीं आ रही तो ये इशारा करता है कि मेरी मदद करो। लेकिन शुमो कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा था। चंची से पूछती है कि क्या तुम शंगसो की कोलीग हो तो शुमो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा एक क्लाइंट है। शुमो इन दोनों को बाय करके यहाँ से जाने ही वाली होती है कि सेल्स पर्सन आके कहने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की टाई पैक हो गई है। इसको लग रहा होता है कि शुमो अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाई ले रही है और कहती है कि आपके कहने पर मैंने कार्ड पर शंगसो भी लिख दिया है। शुमो इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये सेल्स पर्सन तो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही होती। ये सब सुनकर शंगसो हंस रहा होता है। जब ये सेल्स पर्सन यहाँ से जाती है तो शुमो एक्सप्लेन करने लगती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। शुमो शंगसो को इशारा करती है कि तुम मेरी मदद करो। शंगसो चंची से कहते हैं कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ रहा है। ये देखकर चंची अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। शुमो कहती है कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया
दिया है ना। शमसा कहता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, शुमो इसको बताने वाली होती है। शमसा कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सारी बात बताओगी। ये सुनकर शुमो कहती है कि फिर तुम बता दो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। शमसा कहता है कि हम रेस्टोरेंट चलते हैं। घर पर आने के बाद शुमो सारी बात सोंगयान को बता रही होती। सोंगयान कहती है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, एक टेलीविजन कंपनी मेरा नॉवल खरीदने वाली है। शुमो ये सुनकर खुश होते हैं, उससे पूछते कि कंपनी का नाम क्या है। तो सोंगयान कहती है कि कंपनी का नाम डेजल है। शनि को उसके डैड ने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए कहा होता है। शनि जब अपने टीम लीडर को अपना नाम बताते तो उसके कुलीग हंसना शुरू कर देते हैं। शनि कहते हैं कि क्या मेरा नाम इतना फनी है। तो उसके कुलीग बताते हैं कि बहुत ही मशहूर नॉवल है जिसमें विलन का नाम शनि है। ये सुनते ही शनि नॉवल चेक करने के लिए बैठ जाता है और इसकी राइटर सोंगयान होती है। ये नाम पढ़कर शनि को याद आता है कि हाई स्कूल में जब ये और सोंगयान सफाई कर रहे होते हैं तो इन दोनों की सफाई को लेकर बहस हो जाती है। शनि से पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी क्लास से हो। तो सोंगयान कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। शनि बहाने से इसकी नोटबुक पकड़ लेता है और उस पर सोंगयान ने अपना नाम सोंग जिनशन लिखा होता है और अब एज अ राइटर सोंगयान इसी नाम का इस्तेमाल कर रही होती है। ये सब याद करने के बाद शनि कहता है कि दुनिया कितनी छोटी है। इसके बाद कैफे में सोंगयान और शनि की टक्कर हो जाती है। शनि का फोन नीचे गिर जाता है। सोंगयान जो फोन उठाने में मदद कर रही होती है तो ये इसी का नॉवल पढ़ रहा होता है। तो सोंगयान कहती है कि तो ये मेरा फैन है। सोंगयान सब इसको फोन दे रही होती है तो शनि भी इसको बहुत गौर से देख रहा होता है। सोंगयान कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी आइडल सोंग जिनशन ही हूँ। ये कहने वाला होता है कि तुम्हारा कौन फैन है। तो ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है। सोंगयान इससे पूछने लगती है कि तुम कब से मेरे नॉवल्स पढ़ रहे हो। शनि कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था। ये सुनकर सोंगयान बहुत हैरान होती है, कहती है कि उस टाइम पर तो मैंने नॉवल्स लिखना भी शुरू ही किए थे। ये शनि से कहती है कि तुम तो बहुत लॉयल फैन हो और पूछती है कि तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है। शनि कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स पसंद हैं और खास तौर पर विलन। सोंगयान कहती है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे देती हूँ। अब सोंगयान इसको ऑटोग्राफ देने लगती है तो शनि इसको अपना नाम बताता है और ये सुनते ही सोंगयान हैरान हो जाती है और उसको पहचान भी लेती है। शुमो सोंगयान से कह रही होती है कि क्या वाकई में ही हमारे हाई स्कूल वाला शनि था। सोंगयान कहती है कि हाँ और कौन मेरे साथ मजाक कर सकता है। दूसरी तरफ शनि जंगजाओ को बता रहा होता है कि सुबह मुझे मालूम हो कि मैं नॉवल में मर गया हूँ और मेरी बदकिस्मती देखो कि दोपहर में उसी राइडर से मेरी मुलाकात भी हो गई। ये दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं। अब जंगजाओ से पूछने लगता है कि हमारा कैफे कैसा चल रहा है। तो शनि कहने लगता है कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। जब ये स्टैट्स चेक करता है तो कहता है कि इसके मुताबिक तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। ये देखने के बाद शनि के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अब शनि इसको अपना ऊपर वाला रूम दिखाने के लिए ले आता है और पूछता है कि तुम्हें ये रूम कैसा लगा। शंगजाओ कहता है कि मेरी इमेजिनेशन से तो काफी बेहतर है। शंगजाओ कहते हैं कि जब तुम्हारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा तो तुम्हारे डैड को तुम पर बहुत गर्व होगा। शंगजाओ शनि को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। शनि लेना नहीं चाह रहा होता तो शंगजाओ ये कार्ड इसकी पॉकेट में डाल देता है। सोंगयान जब शुमो को घर पर छोड़ती है तो अपने फ्लैट का शोर सुनकर ये कहने लगती है कि काम के बाद मुझे घर पर भी सुकून नहीं मिलता क्योंकि मेरी रूममेट बहुत ही अनोइंग है। सोंगयान कहती है कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। शुमो कहती है कि तुम्हारा घर ऑफिस से बहुत दूर है। ये सुनते ही सोंगयान कहती है कि हम तुम्हारी कंपनी के करीब कोई फ्लैट तलाश कर लेते हैं। लेकिन शुमो इनकार कर देती है। जैसे ही सोंगयान यहाँ से जाती है तो इसकी मॉम का इसको मैसेज आता है कि इस हफ्ते फिर से तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है। अगले सुबह शुमो जब ऑफिस आ रही तो उसकी कलीग कहती है कि कंपनी में सबको मालूम हो गया है कि तुम और डायरेक्टर श्यांग हाई स्कूल में क्लासमेट थे। इसके कलीग पूछने लगती है कि वो हाई स्कूल में कैसा था। शुमो जंगजाओ की बुराई कर रही होती कि इतने में जंगजाओ यहाँ पर आ जाता है। पूछने लगता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। शुमो तो कुछ नहीं कहती, इसके कलीग्स बहाने करने लगते हैं। जंगजाओ शुमो को अपने साथ ऊपर आने के लिए कहता है। अब मीटिंग के दौरान जानबूझ कर जंगजाओ शुमो को पानी लाने के लिए कहता है। शुमो इसके लिए पानी लेकर आती है तो ये पानी बहुत गर्म होता है। ये देखकर शुमो हंसने लगती है। आज ये होम स्टे ओपन हो गया होता है। इसको विजिट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे होते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जंगजाओ भी आ जाता है। शुमो इसको अपना सारा प्लान बताते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा है। जंगजाओ कहता है कि अच्छा है। शुमो ये सुनकर आहिस्ता आवाज में कहने लगती है कि पहले की तरह ये कॉम्प्लीमेंट देने में आज भी कंजूस है। जंगजाओ इसे कहते हैं कि क्या तुमने कुछ कहा। तो शुमो कहती है कि नहीं। अब जंगजाओ यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो कुछ देर बाद यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। मिस्टर राव से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है। तो उसको बताया जाता है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है इसीलिए हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली गई और इसको फिक्स करने के लिए भी एक घंटा लग जाएगा। ये सुनकर मिस्टर राव बहुत परेशान हो रहे होते हैं, कहते हैं कि जल्दी से शुमो को कॉल करो। इतने में शुमो माइक लेकर यहाँ पर आ जाती है, कहने लगती है कि ये आइडिया मुझे तब आया था जब मुझे अपने काम से वापस आने में काफी देर हो गई थी। शुमो कहने लगती है कि मैं सोचने लगी कि मेरी लाइफ में से पेन कब खत्म होगी, जिंदगी
जिंदगी में कुछ भी नया नहीं है, एक जैसा दिन बार बार रिपीट हो रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर कोई मुझे कभी कभी सरप्राइज दे दिया करे, जैसे कि अभी आपको मिल रहा है, तो हम एक आम से दिन को भी खास बना सकते हैं। इतने में यहाँ पर ब्लू लाइट्स चलने लगती हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफी खुश जाते हैं। ये देखकर जॉन सो को भी अच्छा लग रहा होता है। मिस्टर लॉ शोमो की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये देखकर जॉन सो भी मुस्कुरा रहा होता है। शोमो जब जॉन सो के पास आती है तो जॉन सो कहता है कि काफी अच्छा सोल्यूशन था। शोमो जॉन सो से कहने लगती है कि ये मोमेंट कैप्चर करने वाला है, इसलिए हम साथ में पिक्चर लेते हैं। फिर जॉन सो और शोमो साथ में पिक्चर लेते हैं। अब इनके इसी प्रोजेक्ट की वीडियो वायरल हो गई होती है। मिस्टर लॉन को बताते हैं कि इस वीडियो पर इनको 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये सुनते ही सभी कलीग्स कहने लगते हैं कि आपको अब हमें डिनर पर लेकर जाना होगा। फिर मिस्टर लॉ इन सबको डिनर के लिए ले आते हैं। यूसी कहने लगती है कि मिस्टर लॉ हमारी सेलिब्रेशन पार्टी पर डायरेक्टर जॉन क्यों नहीं आए, तो मिस्टर लॉ कहते हैं कि वो बस पहुंचने वाले होंगे। अब ये लोग यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। शोमो की जब बारी आती है तो ये डेयर चूज करती है। यूसी कहने लगती है कि इस रेस्टोरेंट में अभी जो भी आएगा तो मैं उसको हक करनी होगी। अब ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि रेस्टोरेंट में कौन आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर चांगसा वॉश आता है और यूसी चांगसा को बताती है कि हम गेम खेल रहे हैं, और ये भी बताती है कि शोमो को क्या डेयर मिला है। अब शोमो डेयर करने के लिए खड़ी हो जाती है और ये चांगसा को देख कर कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे दो डायरेक्टर क्यों दिखाई दे रहे हैं। चांगसा कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। अब शोमो अपना डेयर कम्प्लीट करने के लिए चांगसा को हक करती है। अब शोमो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और चांगसा शोमो को देख कर मुस्कुरा रहा होता है। बारी चांगसा की आती है। चांगसा ट्रुथ चूज करता है। यूसी चांगसा से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। चांगसा कहता है कि हाँ। यूसी पूछती है कि वो कौन है। चांगसा कहता है कि ये दूसरा सवाल है। ये कहकर चांगसा जवाब देने से बच जाता है। अगले सुबह शोमो की आंख होटल के रूम में खुलती है। इसको याद आने लगता है कि कल रात ये यूसी से बात कर रही थी कि मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरी रूममेट घर में बहुत शोर मचाती है। शोमो को ये लग रहा था कि यूसी इसको यहाँ पर लेकर आई। इतने में यहाँ पर चांगसा आ जाता है। शोमो चांगसा को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चांगसा कहते कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। शोमो याद करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। ये चांगसा से पूछती है कि क्या अपने कपड़े मैंने खुद चेंज किए थे। चांगसा कहते है कि नहीं। ये हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। चांगसा जब शोमो को वापस घर लेकर जा रहा होता तो शोमो यही याद करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर रात में क्या हुआ था। इतने में ये अपना फोन खोलकर देखती है तो इसमें चांगसा और इसकी पिक्चर होती है। ये देखकर शोमो शॉक हो जाते हैं। अब इसको याद आता है। शोमो चांगसा को कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस नहीं बताऊंगी, और होटल के रूम में आते ही ये बेड पर बैठ जाती है। चांगसा उसको ब्लैंकेट देने वाला होता है कि शोमो इसको अपनी तरफ खींच लेती है और इसको देखकर कहने लगती है कि तुम अच्छे लग रहे हो। ये कहकर शोमो अपनी और चांगसा की पिक्चर खींच लेती है। अब शोमो कहने लगती है कि मुझे ये कपड़े चेंज करने हैं। ये सुनकर चांगसा कॉल करके वेट्रेस को बुला लेता है और शोमो यही पिक्चर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। अब शोमो इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ रही होती है। इसके सभी दोस्त और कुलीग इसे और चांगसा को लेकर गॉसिप कर रहे होते हैं। ये सब देखकर शोमो एम्बेरस हो जाती है। चांगसा उसको देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। शोमो उसको कल रात के लिए सॉरी कहती है कि मैं कल रात ड्रंक थी, इसलिए शायद मैंने ये उल्टी सीधी हरकतें की हैं। चांगसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ। शोमो कहती है कि बस तुम यही कहोगे। चांगसा कहते हैं कि फिर क्या तुम कम्पनसेशन के बारे में बात करना चाहती हो। ये सुनते ही शोमो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे घर पर छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहते ही शोमो जल्दी से भाग जाती है। आज शोमो जब ऑफिस आती है तो मिस्टर लॉ कहते हैं कि तुमने कभी हमें बताया ही नहीं कि तुम डायरेक्टर चांग से प्यार करती हो। शोमो कुछ कहने वाली होती है कि मिस्टर लॉ की बात काटते हुए कहते हैं कि जैसे ही डिनर खत्म हुआ तो डायरेक्टर चांग तुम्हें घर छोड़ने के बहाने ले गए ताकि वो तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। शोमो मिस्टर लॉ से कह रही होती है कि सच नहीं है। मिस्टर लॉ कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुमने ही तो पिक्चर पोस्ट की थी। शोमो इनसे यही कही जा रही होती है कि सच नहीं। इतने में यहाँ पर चांगसा आ जाता है। मिस्टर लॉ चांगसा को देखकर शोमो से कहते हैं कि तुम्हें डायरेक्टर चांग के साथ जाकर बैठना चाहिए ताकि तुम उन्हें अच्छे से ब्रीफ कर सको। शोमो चांगसा के साथ ही बैठने के लिए जा रही होती है। ये गलती से गिरने लगती है तो चांगसा इसको गिरने से बचा लेता है। ये दोनों हैरानगी से एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और शोमो के सारे कुलीग को ये देख कर कन्फर्म हो जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में है। इस वजह से शोमो बहुत एम्बेरस हो गई होती। जैसे ही मीटिंग खत्म होती तो शोमो सबसे पहले मीटिंग रूम से भाग जाती है। शोमो जल्दी से बाहर आकर लिफ्ट का बटन प्रेस कर रही होती है लेकिन जब लिफ्ट नहीं आती तो शोमो यहाँ से जाने लगती है। चांगसा शोमो को रोकता है। शोमो कहती है कि उस पोस्ट की वजह से सबको ये लग रहा है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। उन्हें मेरी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। शोमो कहती है कि इसलिए अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से दूरी रहें ताकि इन्हें मजीद गॉसिप करने का मौका नहीं मिले। इतने में लिफ्ट आ जाती तो चांगसा कहता है कि हमें जाना चाहिए। अब लिफ्ट में रश की वजह से शोमो की टक्कर चांगसा से हो जाती है।
ये शांगसॉ से कह रही है कि मैं तुमसे सॉरी करने के लिए तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए ले चलती हूँ। अब शांगसॉ शोमो के साथ कैफे आ जाता है। शोमो शांगसॉ से कहती है कि तुम जाकर बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इतने में एक लड़का शोमो को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो। शोमो कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये लड़का कहने लगता है कि कुछ दिनों में मेरी शादी हो रही है, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, तो तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा। लेकिन शोमो इसको देखकर काफी गुस्से में होती है, कहती है कि तुम्हें मुबारक हो लेकिन मैं नहीं आऊंगी। ये लड़का कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सही कह रही थी कि तुम हमारी शादी में नहीं आओगी क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड जितनी अच्छी नहीं हो। ये सुनकर शोमो और गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया है, मैं जरूर आऊंगी। ये लड़का कहने लगता है कि फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ ले आना, वरना तुम्हें हम दोनों को साथ में देखकर बहुत दुख होगा। इतने में यहाँ पर जंगसा आ जाता है। ये लड़का इसको देखकर कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। शोमो इसकी बात का जवाब नहीं देती। ये लड़का कहने लगता है कि मैं शोमो का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जंगसा हेलो कहते हुए इस लड़के से हाथ मिलाता है। इसकी बात सुनकर जंगसा को भी गुस्सा आ गया होता, तो ये इसका हाथ बहुत जोर से दबाता है। शोमो का एक्स बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बने, तो तुम इसको मेरी शादी में जरूर लेकर आना। शोमो कुछ कहने वाली होती है, जंगसा उसको रोकता है, कहता है कि फिर तुम हमारी शादी पर हमें क्या दोगे। तो ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम्हारी शादी पर। चंगसा कहता है कि ना ही मुझे पैसों की जरूरत है और ना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट मैन बनो, लेकिन हाँ हमें शादी पर फ्लावर बॉय की जरूरत होगी। शोमो भी कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। ये सुनने के बाद ये चला जाता है। अब ये दोनों जब कॉफी पी रहे होते तो चंगसा कहता है कि तुम क्या वाकई में जाओगी। शोमो कहती है कि हाँ। चंगसा शोमो से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों की मदद हो सकती है। चंगसा कहता है कि मेरी फैमिली चाइना वापस आ रही, इसलिए हम साथ में एक वेलकम डिनर करने वाले हैं। असल में तो डिनर का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन चंशी ने सबको बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि डिनर पर मैं भी तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँ। शोमो कहती है कि वो ये बात बाकी सबको कैसे बता सकती है। चंगसाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी में चलने के लिए तैयार हूँ, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी तरफ चनिए की शीफिस को राइडर से मिलने के लिए कहते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि सोंगयानी होती है। चनी कहता है कि क्यों ना आप किसी और को भेज दे मेरी जगह, लेकिन शनि के चीफ इसकी बात नहीं मानते। अब शनि कॉन्ट्रैक्ट लेकर सोंगयान के पास आ जाता है। सोंगयान इसको देखकर कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इतने में यहाँ पर चीफ आ जाते हैं और सोंगयान से पूछने लगते हैं कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो पूरी करने के लिए तैयार हैं। सोंगयान कहते हैं कि मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको कॉन्टेक्ट कर लूंगी। ये सुनते ही शनि अपना फेस साइड पर कर लेता है, लेकिन इसके चीफ इसको गुस्से से देखते हैं और सोंगयान से कहते हैं कि आप इसे जब चाहें कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। घर पर आकर शनि सब कुछ जंगसा को बता रहा होता है, कहने लगता है कि मुझे 3 महीने यहाँ पर इसलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि तभी जाकर मैं अपने कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। शोमो के एक्स बॉयफ्रेंड ने इसको अपनी प्री वेडिंग पार्टी पर बुलाया होता है। शोमो इसकी पार्टी पर आ जाती है। शोमो के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड इसकी बहुत इंसल्ट कर रही होती है। इतने में यहाँ पर चंगसा आ जाता है। चंगसा को देख कर ये बहुत खुश जाती है। चंगसा से पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये कहती है कि मेरा नाम लौबे है, हमारी मुलाकात इंटरव्यू पे हुई थी। चंगसा शोमो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे कार पार्क करते हुए देर हो गई। ये इन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो रही होती है। चंगसा कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो लौबे बहुत शौक हो जाती है। लौबे चंगसा को यहाँ पर बैठने के लिए कह रही होती है, लेकिन शोमो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें रेड एनवलप देने के लिए आई हूँ। शोमो रेड एनवलप टेबल पर रखती है और चंगसा को यहाँ से लेकर जाने लगती है, तो लौबे अपने इंटरव्यू के बारे में पूछती है। चंगसा कहता है कि रिजल्ट कल अनाउंस कर दिए गए थे, ईमेल सिर्फ उन्हीं को जाती है जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ये कहकर चंगसा चला जाता है। वापस जाते हुए चंगसा शोमो से पूछता है कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता था। शोमो कहने लगती है कि सब मेरी मुलाकात चंगसा से हुई थी, तब ये मुझे बहुत नाइसली ट्रीट किया करता था, लेकिन इसको डेट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसको सिवाय बातें करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। चंगसा कहता है कि फिर तो अच्छी बात है कि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। शोमो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने लव एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, तो तुम्हें भी मुझे बताना होगा क्योंकि अब तो हम दोस्त बन चुके हैं। चंगसा कहता है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कहकर ये आगे चला जाता है। आज सोंगयान और शोमो शनि के कैफे में आई होती हैं। शोमो सोंगयान को डिनर के बारे में बता रही होती है। अब शनि और सोंगयान जब एक दूसरे को यहाँ पर देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। सोंगयान इसको बोलने का मौका ही नहीं देती, कहती है कि तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। शोमो शनि को बताने लगती है कि हम हाई स्कूल में साथ थे। शनि कहने लगता है कि मैंने अभी सुना है कि तुम चंगसा के बारे में कोई बात कर रही थी, लेकिन सोंगयान कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। शोमो कहती है कि तुम्हें इसके साथ इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, शायद इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वैसे भी हम लोग एक ही साथ हाई स्कूल में थे। सोंगयान कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैंने सुना है कि इसकी कंपनी में भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अब शनि चंगसा को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम शोमो से प्यार करते हो। चंगसा कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी आंट ने ये बताया है। शनि इसको कहता है कि तुम्हें अभी कैफे आना होगा क्योंकि सोंग
नियन तुम्हारी बुराइयां कर रही है, कहीं इसी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप ना हो जाए। अब कुछ देर बाद जंग जाओ भी यहाँ पर आ जाता है। सोंग नियन जंग जाओ को यहाँ पर देखकर हैरान होती है, तो शनी कहता है कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में बुरा बोलने की। सोंग नियन कहते है कि तुमने हमारी बातें क्यों सुनी, और वैसे भी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इससे कुछ भी कह सकती हूँ। सोंग नियन जंग जाओ से कहती है कि मैं इस कैफे में अक्सर आती, मैं तुम्हें कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ। ये सुनकर शनी हंसने लगता है, तो सोंग नियन कहती है कि इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। शनी कहता है कि क्या तुमने कैफे का नाम नहीं पढ़ा, इसके कैफे का नाम अवीक कैफे होता है, लेकिन चाइनीज में इसकी प्रोनाउंसिएशन वी और जाओ से मिल रही होती है। सोंग नियन कहती है कि तो कैफे का नाम जियांग जाओ के नाम पर रखा गया है। शनी कहता है कि तुम मेरे नाम के बारे में भी सोचो। सोंग नियन कहती है कि तुम वेटर हो तो तुम्हें हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, मैं जियांग जाओ से बात कर रही हूँ। ये सुनकर शनी को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब कैफे से जाते हुए चुमो उसको फ्री कॉफी के लिए थैंक्स बोल रही होती है, और सोंग नियन कहती है कि हमें वीआईपी कार्ड देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियांग जाओ इन दोनों को बाय करने के बाद यहाँ से चला जाता है। और अब सोंग नियन शनी को तंग करने के लिए बार बार इसको कॉल्स करके डिफरेंट जगहों पर मिलने के लिए बुला रही होती है। शनी तो सोंग नियन की वजह से बहुत ज्यादा थक गया होता है। अब शनी जियांग जाओ के पास आकर कहने लगता है कि मैं इस सोंग नियन की वजह से बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इतने में सोंग नियन की कॉल आ जाती है कि उठा नहीं रहा होता, तो जियांग जाओ कॉल अटेंड कर लेता है। अब इसको ना चाहते हुए सोंग नियन से बात करनी पड़ती है। सोंग नियन कहती है कि मैंने सोच लिया है तो हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सुनकर तो शनी शॉक हो जाता है। आज शोमो ने जियांग जाओ के साथ डिनर पर जाना होता है कि शोमो का घर के बाहर इंतजार कर रहा होता। शोमो तैयार होकर जियांग जाओ के पास आ जाती है। शोमो जियांग जाओ से कहती है कि क्या तुम ये नेकलेस पहनाने में मेरी मदद कर सकते हो, मैंने घर पे बहुत दफा ट्राई किया है लेकिन मैं नेकलेस को बंद नहीं कर पा रही। जियांग जाओ शोमो को नेकलेस पहनाता है। फिर ये दोनों जब होटल आ जाते हैं तो शोमो बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही होती है। देखकर जियांग जाओ कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरी फैमिली तुम्हें कोई हार्ड टाइम नहीं देने वाली। शोमो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि मैं पहली बार किसी की फैमिली से मिल रही हूँ, चाहे ये फेक ही है। अब शोमो होटल आ जाती है। चंशी शोमो को देखकर इसके पास आके पूछने लगती है कि जियांग जाओ कहाँ पर है। शोमो कहती है वो कार पार्क करने के लिए गया है। चंशी से पूछती है कि तुम दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। शोमो कहती है कि तकरीबन साल होने वाला है। इतने में चंशी को कोई बुला रहा होता है तो ये यहाँ से चली जाती है। चंशी के जाते ही यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके साथ शोमो लास्ट टाइम ब्लाइंड डेट पर गई थी। इसको लग रहा होता है कि शोमो इस गैदरिंग में कोई बिजनेस डील हासिल करने के लिए आई है, इसलिए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बड़े लोगों से मिलवा सकता हूँ जैसे कि जियांग जाओ। शोमो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढ रही कहकर ये जाने लगती है। तो ये कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। शोमो इसको बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जियांग जाओ है। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है। शोमो ये कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब चंशी इस आदमी के पास आ जाती है, कहने लगती है कि मैं शोमो की दोस्त हूँ, अभी मैंने देखा कि आप शोमो से बात कर रहे थे तो क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। अब जियांग जाओ शोमो को अपनी आंटी से मिलवाता है। आंटी तो शोमो से मिलकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है, साथ ही यहाँ पर चंशी भी आ जाती है। चंशी कहने लगती है कि आप लोग तकरीबन एक साल से डेट कर रहे हैं तो फिर आप लोगों का रिलेशनशिप काफी स्टेबल होगा। आंटी इनकी लव स्टोरी के बारे में क्यूरियस हो जाती है और जियांग जाओ से पूछने लगती है कि तुम दोनों में से पहले किसको प्यार हुआ था। जियांग जाओ कहता है कि मुझे। चंशी कहने लगती है कि अभी मेरी मुलाकात शोमो के एक दोस्त से हुई है, असल में शोमो उसको अच्छे से नहीं जानती, इनकी पिछले महीने ही बस ब्लाइंड डेट पर मुलाकात हुई थी। ये कहकर चंशी ये प्रिटेंड करने लगती जैसे इसके मुंह से ये बात गलती से निकल गई है और कहने लगती है कि उस टाइम पर तो जियांग जाओ चाइना वापस आया था। शोमो ये सोच रही होती है कि इसको क्या जवाब देना, साथ ही यहाँ पर वही आदमी आ जाता है। आंटी सारी सिचुएशन की वजह से काफी कंफ्यूज हो गई होती है। जियांग जाओ कहने लगता है कि मेरी गलती की वजह से हम दोनों ने कुछ टाइम एक दूसरे से अलग गुजारा था, मुझे लगता है कि शायद तभी शोमो इस आदमी से मिली होगी। जियांग जाओ कहने लगता है कि मैं काम में इतना बिजी था कि मैं अक्सर शोमो की फीलिंग्स को इग्नोर कर देता था। शोमो भी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। जियांग जाओ कहता है कि असल में मैं शोमो की वजह से चाइना वापस आया हूँ। आंटी सुनकर खुश जाती है, कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। आंटी पूछ लगती है कि तुम दोनों आखिर में मिले कैसे थे, तो जियांग जाओ कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ थे। असल में मैंने जब पहली बार शोमो को देखा था तभी मुझे इससे प्यार हो गया था, मुझे बस कभी शोमो को ये बताने का मौका नहीं मिला। शोमो भी बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही होती है। देखकर आंटी कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अब ये दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। शोमो जियांग जाओ से कहती है कि तुम्हारी फैमिली से मिलना इतना भी मुश्किल नहीं था, तुम्हारी आंटी तो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, वो तो बहुत ही स्वीट है। जियांग जाओ कहता है कि मेरी आंटी सबके साथ इतनी स्वीट नहीं है। शोमो कहती है कि शायद फिर तुम्हारी वजह से वो मुझे भी पसंद करने लगी है। शोमो कहती है कि जब तुमने हाई स्कूल छोड़ा था तब तुम अपनी आंटी के साथ अब्रॉड चले गए थे। जियांग जाओ कहता है कि हाँ। शोमो कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी अब्रॉड में रहते हैं। जियांग जाओ कहता है कि नहीं, उस टाइम पर मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। ये सुनकर शोमो को बुरा लग रहा होता है।
होते तो चमसाओ कहते कि कोई बात नहीं, इस बात को तो अब काफी टाइम गुजर गया है। शुमो कहती है कि फिर इसी वजह से तुमने अपना नाम चेंज कर लिया था। चमसाओ कहता है कि हाँ। अब इतने में शुमो को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है, कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रिलेशनशिप में हो, किसी ने मुझे तुम्हारी पोस्ट दिखाई है, क्या तुमने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है। शुमो कहती है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझाना मुश्किल है। लेकिन मॉम कहती है कि इसमें मुश्किल वाले क्या बात है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर पर आओ और अगर तुम डेट नहीं कर रही किसी को तो तुम्हें कल ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। ये सुनकर शुमो कहती है कि मॉम मैं डेट कर रही हूँ किसी को, ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। चंगसा ने इसकी बात सुन ली होती है, ये शुमो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे मसले का एक हल है। शुमो कहती है कि क्या। चंगसा कहता है कि मैं काम की वजह से इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का वक्त नहीं है और तुम भी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना चाहती, तो क्यों ना हम दोनों एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, इससे हम दोनों का मसला हल हो जाएगा। चंगसा शुमो को जब वापस घर लेकर आता है तो शुमो कहती है कि मेरी मॉम चेक करने के लिए बहुत वीडियो कॉल्स करेंगी, तो तुम्हें मेरे साथ इस पर भी काम करना होगा, कोशिश करना कि मेरी मॉम को मालूम ना हो। चंगसा कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। शुमो कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि हम दोनों में से अगर किसी को कोई पसंद आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। चंगसा कहते हैं कि ठीक है। इस प्रोजेक्ट की वजह से शनी को इसके डैड ने इसकी कार वापस कर दी होती है। ये मिस्टर सिंह से कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं आपको राइड पर लेकर चलता हूँ, लेकिन ये कहने लगती है कि तुम्हारे डैड ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहे हैं। शनी जबरदस्ती इनको कार में बिठा देता है। शुमो और सोंगनियन भी यहाँ से गुजर रही होती है और ये शनी को देख लेती है। अब सोंगनियन रात में शनी के पास आकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वक्ती तौर पर मेरे असिस्टेंट बन जाओ, तुम सैलरी की फिक्र मत करना, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। और ये भी कहती है कि मेरे साथ काम करते हुए तुम दूसरी जॉब्स नहीं कर सकते। शनी हैरान होते हुए कहता है कि कौन सी दूसरी जॉब। सोंगनियन कहती है कि तुम डेजिग्नेटेड ड्राइवर की जॉब नहीं कर सकते। शनी हैरान हो रहा होता है कि आखिर सोंगनियन से इस तरह की बातें क्यों कर रही है। शनी कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट भी दे दिया है तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ, वो भी फ्री में। सोंगनियन अब शुमो को बता रही होती है कि शनी इतना गरीब है उसके बावजूद वो बगैर सैलरी के मेरा असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गया है। शुमो से कहती है कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं उसे इतनी भी नफरत नहीं करती। अब शुमो को उसकी मॉम की कॉल आती है, ये कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि तुम किसी को डेट कर रही हो। तो शुमो कहती है कि नहीं मॉम, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ही है। मॉम कहती है कि फिर मेरी उससे बात करवाओ। ये सुनकर शुमो सिग्नल खराब होने का बहाना करके कॉल जल्दी से बंद कर देती है। अब शुमो जल्दी से चंगसाओ के ऑफिस आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट चंगसाओ से मिलने के लिए इसको अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रही होती है। ये चंगसाओ को कॉल करने ही वाली होती कि इतने में चंगसाओ यहाँ पर आ जाता है। ये चंगसाओ को जल्दी से ये कहकर ले जाती है कि एक इमरजेंसी है। ये इसको भी साइड में लेकर आई होती है कि साथ ही इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। शुमो वीडियो कॉल पर अपनी मॉम को बताती है कि मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखकर मॉम को यकीन आ जाता है। वापस आते हुए शुमो चंगसाओ की पिक्चर्स खींच रही होती है। शुमो कहती है कि अगर मेरी मॉम ने तुम्हारे बारे में दोबारा पूछा तो मैं उनको तुम्हारी ये वीडियोस और पिक्चर्स भेज दूंगी ताकि उन्हें कोई शक ना हो। चंगसाओ कहते हैं कि अच्छा है कि तुमने पहले से ही प्रिपरेशंस कर ली हैं। शुमो जब वापस घर पर आती है तो इसके रूममेट्स की फ्रेंड्स इसके कमरे से बाहर आ रही होती है। शुमो अपने कमरे को जाकर देखती है तो उसका सामान बिखरा होता है। ये अपने रूममेट से कहने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड्स मेरे रूम में क्या कर रही थी। तो ये कहने लगती है कि इन्होंने ड्रिंक की हुई थी तो गलती से तुम्हारे रूम में चली गई। शुमो अब इसी बात को लेकर इससे बहस कर रही होती है कि इतने में शुमो की मॉम यहाँ पर आ जाती है। अब ये लड़की शुमो की मॉम को देखकर बहुत बातें सुनाने लगती है, कहती है कि तुमने इतने छोटे से मसले पर अपनी मॉम को यहाँ पर बुला लिया है। ये सुनकर अब मॉम इस लड़की से बात करने लगती है। इतने में शुमो को चंगसाओ की कॉल आती है, ये कहता है कि तुमने अपने एयरफोन्स मेरी कार में ही छोड़ दिए हैं। शुमो इससे सॉरी कर रही होती है लेकिन चंगसाओ ये शोर सुनकर कहता है कि मैं देने के लिए ऊपर आता हूँ। शुमो की मॉम इसके रूममेट को यहाँ से जाने नहीं दे रही होती कि तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी। शुमो के रूममेट गुस्से में इसकी मॉम को धक्का देती, इतने में यहाँ पर चंगसाओ आ जाता है। इसके रूममेट कहने लगती है कि तुम कौन हो। चंगसाओ कहता है कि मैं शुमो का बॉयफ्रेंड हूँ, अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब चंगसाओ शुमो और इसकी मॉम को लेकर अपने घर आ जाता है। शुमो की मॉम तो चंगसाओ से बहुत इम्प्रेस हो गई होती है। मॉम अब शुमो से कह रही होती है कि तुम्हें अपना घर चेंज कर लेना चाहिए। तो शुमो कहती है कि मॉम मैं अगले महीने से घर ढूंढने की कोशिश करूंगी। मॉम कहती है कि अगर फिर से तुम्हें कोई बुरा रूममेट मिल गया तो तुम क्या करोगी। ये चंगसाओ को देखते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह के किसी रूममेट की जरूरत है, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी। मॉम चंगसाओ से पूछते हैं कि इस बारे में तुम क्या कहते हो। चंगसाओ कहता है कि आप सही कह रही हैं, रूममेट बहुत सोच समझ कर चूज करना चाहिए। इसके बाद शुमो की मॉम जब सोच आती है तो ये चंगसाओ के पास आकर इसको थैंक्स करने लगती है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। तो चंगसाओ कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब शुमो यहीं पर बैठकर अपने लिए घर तलाश करने लगती है। चंगसाओ शुमो से पूछ
पूछता है कि जिस रूम में तुम्हारी मॉम सो रही हैं, तुम्हें वो रूम कैसा लगा। शुमो कहती है कि रूम काफी अच्छा है। चंगसाओ शुमो से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर शुमो हैरान हो जाती। तो चंगसाओ कहता है कि मैं अपार्टमेंट शेयर करने की बात कर रहा था। शुमो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना फ्री तो नहीं होगा। चंगसाओ कहता है कि तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें मुझे कितना रेंट देना है। शुमो कहती है कि मैं इतनी अच्छी ऑफर को नहीं ठुकरा सकती। अगली सुबह जब शुमो उठकर आती है तो ये चंगसाओ से कहती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। चंगसाओ कहते हैं कि शायद वो घर चली गई हैं। इसके बाद चंगसाओ शुमो को इसकी कंपनी छोड़ने के लिए आता और पूछता है कि तुम मेरे घर पर कब शिफ्ट होगी। शुमो कहती है कि इसी वीकेंड। ये कहकर शुमो चली जाती है, लेकिन शुमो अपना बैग कार में छोड़ देती है। चंगसाओ शुमो को उसका बैग देने के लिए आता है। शुमो की को लेकिन दोनों को साथ में देख लेती है। चंगसाओ शुमो की बोतल का कैप उठाने में मदद कर रहा होता है, लेकिन इसकी कुलीग को लगता है कि चंगसाओ शुमो के शूलेस बांध रहा है, इसीलिए इन दोनों की पिक्चर खींचने लगती है। शुमो की कुलीग ने ऑफिस में सबको इस बारे में बता दिया होता है। शुमो के टीम लीडर कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे सामने एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सब कुछ मालूम हो गया है। इसके बाद शुमो चंगसाओ के घर पर शिफ्ट हो जाती है। शुमो चंगसाओ की कैट के बारे में उससे सवाल कर रही होती है। ये चंगसाओ से कहती है कि तो तुम्हारी कैट के मॉम डैड नहीं है, ये स्ट्रे कैट है। चंगसाओ कहता है कि हाँ। शुमो एक्साइटमेंट में आकर कहती है कि अब से तुम उसके डैड और मैं। ये अपने आप को मॉम कहते हुए रुक जाती है, कहती है कि मैं इसकी प्यारी सी सिस्टर हूँ। शुमो को इस तरह से देखकर चंगसाओ मुस्कुरा रहा होता है। शुमो सोंगयन से कह रही होती है कि सब से चंगसाओ मेरा फेक बॉयफ्रेंड बना है, तब से मेरी मॉम ने मुझ पर नजर रखना छोड़ दी है। सोंगयन कहती है कि तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ शनी चंगसाओ से कह रहा होता है कि अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसका तुम्हारे घर में रहना जरूरी नहीं है। अगर वो तुम्हारे घर पर रहेगी तो फिर मैं तुम्हारे घर पर आकर हैंग आउट कैसे करूंगा। चंगसाओ कहता है कि तुम सोंगयन के साथ हैंग आउट कर सकते हो। शनी हैरान होते हुए कहता है कि मैं उसके साथ हैंग आउट क्यों करूंगा। अब काउंटर पर इन चारों की मुलाकात हो जाती है। शुमो इन दोनों को यहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान होती है। जब ये दोनों घर पर आ जाते हैं तो प्रॉपर्टी मैनेजर आता है, जो कि चंगसाओ से कह रहा होता है कि हम कम्युनिटी में नए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपके साइन की जरूरत है। चंगसाओ ये साइन कर देता है। जब ये प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ से चला जाता है तो चंगसाओ कहता है कि मैं यहाँ के सभी ऑनर्स के ग्रुप चैट में तुम्हें ऐड कर रहा हूँ, अगर कभी मैं बिजनेस ट्रिप पर चला जाऊँ तो तुम इनसे मदद ले सकती हो। अब ग्रुप में सब ये गॉसिप करने लगते हैं कि क्या शुमो इसकी वाइफ है। चंगसाओ कहता है कि मैं काम की वजह से काफी बिजी हूँ, इसलिए मैंने उसको ग्रुप में ऐड कर दिया ताकि कोई मैसेज मिस ना हो जाए। शुमो कहती है कि तुम्हें क्लियरली मैसेज करना चाहिए, वरना उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। चंगसाओ कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो तुम फिर खुद ही एक्सप्लेन कर दो। अब चंगसाओ खाना बनाते हुए शुमो से कहता है कि क्या तुम अभी तक ग्रुप की चैट पढ़ रही हो। शुमो हंसते हुए कहती है कि वो सब कह रहे हैं कि मैं वाली हूँ, और अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो इससे अच्छा है कि हम एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। शुमो कहती है कि उनके सामने मुझे तुम्हें डार्लिंग कहना चाहिए हनी। इतने में ही बेल बजने लगती है। चंगसाओ दरवाजा खोलता है तो इसी के दोस्त आए होते हैं। चंगसाओ के दोस्त शुमो को देख कर कहने लगते है कि ये कौन है। तो चंगसाओ कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जब ये लोग अंदर आ जाते हैं तो शुमो चंगसाओ से कहती है कि मुझे तुम्हें क्या बुलाना होगा। चंगसाओ कहते हैं कि लास्ट वाला ठीक था। अब शुमो ऊंची आवाज में चंगसाओ को हनी कह देती है। तो चंगसाओ कहता है कि क्या हुआ है। इसके दोस्तों के सामने इसको शर्म भी आ रही होती है। कहने लगती है कि कुछ नहीं, मेरा वैसे ही तुम्हें ये कहने का दिल चाह रहा था। अब ये सब लोग खाना खाने के लिए जब बैठ जाते हैं, चंगसाओ का दोस्त शुमो के लिए ड्रिंक डालने लगता है। तो चंगसाओ उसको मना कर देता है कि ये ड्रिंक नहीं करती। शुमो कहती है कि मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। चंगसाओ कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने लास्ट टाइम क्या किया था। शुमो इनके सामने चंगसाओ को चुप करने के लिए कहती है। शुमो कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि मेरी मॉम ने हम दोनों के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। चंगसाओ का दोस्त कहने लगता है कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है। शुमो कहती है कि चंगसाओ कुकिंग बहुत अच्छी करता है, मुझे ये पसंद है। अब रात में सी जाना चाहते थे, मेरे दोस्त ने वहाँ पर कपल्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, वो चाहता है कि हम भी उसके इवेंट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जाएं। शुमो भी उसको कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने हाँ कह दी है। तो सोंगयन कहती है कि हाँ। चंगसाओ अपने दोनों की बात सुन लेता है। चंगसाओ जब इसके पास आकर बैठता है तो शुमो उसको बताने वाली होती है। तो चंगसाओ कहता है कि आज मैंने ऑफिस में भी इस बारे में सुना था, मेरी कंपनी के लोग भी शायद ये इवेंट अटेंड करने वाले हैं। शुमो कहती है कि तुम्हारी कंपनी में लोगों को हम दोनों के बारे में नहीं मालूम ना। चंगसाओ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको इस बारे में मालूम नहीं होगा। शुमो ये सुनकर कहती है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, मैं सोंगयन को कॉल करके इनकार कर देती हूँ। चंगसाओ कहता है कि मेरे पास एक हल है, और वो ये कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। ये सुनकर शुमो को बहुत खुशी होती है। शुमो कहती है कि क्या तुम्हें कल काम नहीं करना। चंगसाओ अपने फोन को देखते हुए कहता है कि मेरे शेड्यूल के मुताबिक कल ज्यादा काम नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। शुमो कहती है कि सोंगयन के साथ जाने के लिए भी हमें एक लड़की की जरूरत है। चंगसाओ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, उसका भी हल मेरे पास है। अगले दिन शनी और सोंगयन एक दूसरे को देखकर मुंह बना रहे होते हैं। सोंगयन कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम आने वाले हो तो शायद मैं आती ही नहीं। शनी कहता है कि तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है कि लॉ की वजह से आया हूँ? शुमो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को झगड़ना बंद कर देना चाहिए। अब रास्ते में जाते हुए शेनी और सोंगियन एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं और शुमो इनको देखकर हंस रही होती है। इसके बाद ये लोग होटल आ जाते हैं। ये कपल एक्टिविटी होती है इसीलिए इन्हें दो रूम मिले होते हैं। शेनी कहता है कि शुमो और चंगसो कपल है तो वो लोग रूम शेयर कर सकते हैं और दूसरा रूम मैं सोंगियन के साथ शेयर कर लूंगा। सोंगियन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं करूंगी। शेनी कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही रूम्स हैं और हम चंगसा और शुमो को तो अलग नहीं कर सकते ना। लेकिन शुमो और सोंगनियन इकट्ठे ही ना करती हैं। शेनी कहता है कि सोंगनियन के ना करने का कारण तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ना क्यों कर रही हो शुमो? चंगसा कहता है कि तुम्हें चुप कर जाना चाहिए। ये सोंगनियन को कार्ड की देते हुए कहता है कि ये दोनों एक रूम शेयर करेंगे और एक रूम मैं और तुम शेयर करेंगे। ये सुनते ही शुमो और सोंगनियन जल्दी से रूम में चली जाती है। अभी हूँ चंगसा कहते कि कोई बात नहीं, तुम बस मेरे पीछे रहना। अब गेम शुरू हो जाती है। पहली कुछ टर्म्स में शुमो चंगसा की बात मानते हुए इसके पीछे ही रह रही होती है, लेकिन फिर जब इसको मजा आने लगता है तो ये भी गेम खेलना शुरू कर देती है। इसके बाद शनी और सोंगनियन के ग्रुप की बारी होती है। एक ही टीम होते हुए भी इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा हो रहा होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में जिसके पास सबसे थोड़ा टिश्यू रह जाएगा वो जीत जाएगा। चंगसा शुमो से कहता है कि अगर तुम ये एक्टिविटी नहीं करना चाहती तो हम ये स्किप भी कर सकते हैं। शुमो कहती है कि हम यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए तो आए हैं। अब गेम शुरू हो जाती है। चंगसा एक ही टर्म में ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, इसलिए शुमो और चंगसा जीत जाते हैं। ये अनाउंसमेंट सुनते ही शुमो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि हम लोग विनर्स हैं। अब ये दोनों ये गेम जीत गए होते हैं, इसीलिए ये इन दोनों की पिक्चर ले रहे होते हैं। शुमो चंगसा से कहती है कि हम लोग क्लासमेट्स के तौर पर फोटो नहीं ले रहे, इसलिए इसको पास आने के लिए कहती है। फिर ये दोनों साथ में अच्छे से पिक्चर खिंचवाते हैं। रात में सोंगनियन शुमो से कह रही होती कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों का फेक कपल इतने सारे रियल कपल्स को हराने में कामयाब हो जाएगा। शुमो हंसते हुए कहती है कि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। सोंगनियन शुमो से पूछती है कि क्या चंगसाओ तुम्हें अलग दिखाई देता है? शुमो कहती है कि ये बात तो सच है कि चंगसाओ पहले के मुकाबले में काफी बदल गया है, लेकिन सोंगनियन कहती है कि ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि वो बदला ना हो, बल्कि तुम पहले चंगसाओ को अच्छे से जानती ही नहीं थी। शुमो कहती है कि ये सवाल तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए, मुझे उसका जवाब नहीं मालूम। सोंगनियन शुमो से कहती है कि अगर तुम्हें हाई स्कूल वाले चंगसाओ और अब वाले चंगसाओ के दरमियान किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगी? शुमो कहती है कि वो एक ही पर्सन है तो फिर मैं भला चूज कैसे कर सकती हूँ? सोंगनियन कहती है लेकिन सेटिंग तो डिफरेंट है ना। शुमो इन दोनों के दरमियान चूज करने से इनकार कर देती है। ये सुनकर सोंगनियन सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन शुमो अभी भी इसी के सवाल के बारे में सोच रही होती है। शुमो कहती है कि ये चूज करना है तो मुश्किल, लेकिन अगर चूज ही करना है तो शायद मैं अब वाले चंगसाओ को चूज करूँ। सोंगनियन इसकी ये बात सुने बगैर ही सो गई होती है। दूसरी तरफ शनी चंगसाओ को सोते हुए बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है। शनी से तंग होकर चंगसाओ जैसे ही रूम से बाहर आता है तो शुमो भी बाहर ही आ रही होती है। शुमो इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चंगसाओ कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। शुमो कहती है कि मुझे भूख लगी है। अब शुमो चंगसाओ के साथ मार्ट से अपने लिए खाना लेकर आती है। वॉक करते हुए शुमो चंगसाओ से कहने लगती है कि सोंगनियन ने आज मुझसे कहा कि उसने नहीं सोचा था कि हम फेक कपल होने के बावजूद जीत जाएंगे। चंगसाओ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? शुमो कहती है कि शायद इस वजह से कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से जानने लगे हैं। चंगसाओ कहता है कि मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि क्या तुम हाई स्कूल में वाकई में मुझे बहुत नापसंद करती थी? शुमो कहती है कि मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती थी, तुम दूसरों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए मैं हमेशा सोचा करती थी कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते और जाने से पहले तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। चंगसाओ कहता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मुझे तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिला। चंगसाओ कहता है कि अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें गुड बाय नहीं कहा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब बॉयफ्रेंड को देखा था कि शुमो से पूछने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? शुमो कहती है कि वो ऊपर है। ये सुनकर ये लड़का शुमो से कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? ये शुमो को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर क्या करता है। शुमो भी इसकी वजह से काफी अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती है। इतने में यहाँ पर शनी और चंगसाओ आ जाते हैं। चंगसाओ भी इन दोनों लड़कों को देखकर गुस्सा हो जाता है। शनी गुस्से में इस लड़के से कहता है कि तुम अपना हाथ साइड पर करो, लेकिन ये ऐसा नहीं करता तो चंगसाओ गुस्से में कहता है कि जानवर को इंसानों की बात समझ में नहीं आती, ये नॉर्मल बात है। ये सुनकर ये लड़का गुस्सा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अब इनको देख रहे होते हैं तो ये जाते हुए शुमो की चेयर को धक्का देकर जाता है। चंगसाओ ये देखने के बाद इससे कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर ये लड़का जाने लगता है तो चंगसाओ इसको रोक लेता है और
गुस्से में कह रहा होता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। चेंगसॉ इसका हाथ पकड़ कर घुमा देता है। इस लड़के को बहुत दर्द हो रही होती। चेंगसॉ कहता है कि तुम्हें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये सब कुछ देखे तो तुम्हें शुमो से माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनते ही लड़का शुमो से सॉरी कहता है और यहाँ से चला जाता है। फिर ये सब लोग वॉक के लिए बाहर आ जाते हैं। सोंगयन कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा था और उसके साथ ही बाकी लड़कों को भी अपनी तरह समझ रहा था। सोंगयन समुद्र को देखते हुए कहती है कि मेरा वापस आने का दिल नहीं चाह रहा। शुमो कहती है कि वापस आना तो मैं भी नहीं चाहती। अब ये दोनों जब घर आ जाते हैं तो शुमो कहती है कि सफर की थकावट उतारने के लिए मुझे 2 दिन तक सोना पड़ेगा। चेंगसॉ कहता है कि तुम नहीं सो सकती क्योंकि कल मंडे है। शुमो को ये सुनकर बुरा लग रहा होता है। इसके बाद शुमो नींद में चलते हुए चेंगसॉ के रूम में आकर लेट जाती है। जब शुमो की आँख खुलती है तो सामने चेंगसॉ को देख कर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जल्दी से चेंगसॉ के रूम से बाहर आ जाती है। अगली सुबह फोन पर बात करते हुए शुमो सोंगयन को बता रही होती है कि कल रात शायद मैं नींद में चलते हुए चेंगसॉ के रूम में चली गई थी। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं रात में कब गई थी, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो चेंगसॉ यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी। शुमो ये सुनकर एम्बैरेस हो रही होती है। चेंगसॉ से कहती है कि वो तो सिर्फ एक सपना था, तुम समझो कि तुमने ये सब सुना ही नहीं है। शुमो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहती है कि ये ब्रेकफास्ट मेरा है। तो चेंगसॉ प्लेट उठाते हुए कहता है कि नहीं ये मेरा है। शुमो कहती है कि क्या तुम 2 लोगों का ब्रेकफास्ट खुद ही खाने वाले हो। चेंगसॉ कहता है कि बाकी का मैं लंच के लिए बचा लूंगा। तुम्हारे पास तो तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हारे लिए कुक कर सकता है। तुम्हारी बातों से वो इतना परफेक्ट लग रहा था, मुझे यकीन है कि उसे कुकिंग करनी आती होगी। शुमो कहने लगती है कि ये अब अपने आप को उससे कंपेयर क्यों कर रहा है। चेंगसॉ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसी को अपना प्रपोजल दिखा देना, क्योंकि शायद मैं उस जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। शायद मैं तुम्हारा प्रपोजल समझ ना सकूं और तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला जाए। शुमो इसके पीछे लिफ्ट में आते हुए कहती है कि वो तो सिर्फ एक सपना था। मैं वादा करती हूँ कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट देखना होगा और अगर तुम प्रोजेक्ट देखने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। इतने में लिफ्ट खुलती है तो सब लोग शुमो को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि ये मिसेस चियांग है। चेंगसॉ के कुलीग शुमो से कहने लगते हैं कि क्या आप डायरेक्टर चियांग को सी ऑफ करने के लिए आई हैं? शुमो जल्दी से चेंगसॉ के पास आकर कहने लगती है कि हाँ मैं इसको सी ऑफ करने के लिए आई हूँ। और इनके बारे में पूछने लगती है तो ये कहता है कि हम एक मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए हम चेंगसॉ को पिक करने के लिए आ गए। हमें नहीं मालूम था कि आप भी यहीं पर हैं। ये सुनकर शुमो हंसते हुए कहती है कि डायरेक्टर चियांग ने मुझे भी नहीं बताया कि तुम लोग आने वाले हो। चेंगसॉ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर इनके साथ यहाँ से चला जाता है। अब चेंगसॉ प्रपोजल देखते हुए कहने लगता है कि शंक्शन का प्रपोजल कहाँ पर है। तो इसका मैनेजर कहता है कि उनका प्रपोजल मिस्टर जेन ने रिजेक्ट कर दिया है। ये कहने लगता है कि मिस्टर जेन चाहते हैं कि हम इसी कंपनी के साथ काम करें, लेकिन चेंगसॉ को इस कंपनी का प्रपोजल अच्छा नहीं लगता। आज शुमो के टीम लीडर बहुत अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं तो ये उसी टीम लीडर से पूछती है कि आपको क्या हुआ है। तो टीम लीडर इनको बताते हैं कि अब चेंगसॉ की कंपनी हमारे साथ काम नहीं करेगी। टीम लीडर कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने हमारे प्रपोजल देखने की भी जहमत नहीं की। ये सुनकर बाकी सब भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब शुमो को चेंगसॉ की सुबह वाली बातें याद आती है तो ये मिस्टर लाओ से कहती है कि हो सकता है कि प्रपोजल मेरी वजह से रिजेक्ट हुआ हो। रात में शुमो ने चेंगसॉ के लिए खाना बनाया होता है। जैसे ही घर आता है तो शुमो चेंगसॉ से कहती है कि ये खाना मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। चेंगसॉ कहने लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खाना मजे का होगा। शुमो कहती है कि ये वाकई में मजे का है। चेंगसॉ को यकीन दिलाने के लिए अपना बनाया हुआ खाना जब टेस्ट करती है तो उसको रियलाइज होता है कि इसका टेस्ट तो वाकई में अच्छा नहीं है। चेंगसॉ कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन जहाँ तक बात है प्रपोजल की तो वो मेरी कंपनी के किसी इश्यू की वजह से रिजेक्ट हुआ है। मैं तुम लोगों के प्रपोजल वाले मसले को डील कर रहा हूँ, तुम अभी ये बात अपने कोलीग्स को मत बताना। शुमो इससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे बात किए बगैर ये नहीं सोचना चाहिए था कि तुमने हमारा प्रपोजल जानबूझ के रिजेक्ट किया है। चेंगसॉ कहता है कि कोई बात नहीं, अब सोंगयन की नई स्क्रिप्ट कंपनी को पसंद तो आ जाती है, लेकिन ये कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन तुम्हें लव स्टोरी पर थोड़ा और काम करना होगा। अब ये यही मसला शुमो के साथ डिस्कस कर रही होती है कि मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, इसलिए मैं लव स्टोरी को ज्यादा अच्छे से नहीं लिख पाती। शुमो कहती है कि भी तुम्हें एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए डेट्स पर जाना चाहिए, लेकिन सोंगयन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। शुमो इसको ये मशवरा देती है कि फिर तुम्हें जाकर रोमांटिक ड्रामा देखने चाहिए। सोंगयन अब कैफे में आकर रोमांटिक ड्रामा देख रही होती है, लेकिन इसको देखते हुए बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। इतने में शेनिस के पास आकर बैठ जाता है तो सोंगयन इसको अचानक देख कर डर जाती है, कहती है कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। शेनी कहता है कि रात हो गई, मुझे अब शॉप बंद करनी है।
शनी से पूछते है कि क्या तुम्हारी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग अच्छी नहीं रही। संगनियन इससे पूछते है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। शनी कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। संगनियन कहती है कि तुम लड़कों के पर्सपेक्टिव से बताओ कि क्या तुम उसे पसंद करोगे। ये सवाल सुनकर शनी थोड़ा नर्वस हो गया होता है। संगनियन से कहता है कि तुम्हें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। संगनियन कहती है कि अगर मुझे कभी प्यार हो जाता तो आज मेरी लव स्टोरीज इतनी बुरी नहीं होती। ये सुनकर शनी हंसने लगता है कि तुम हमेशा से सिंगल रही हो। इसको हंसता हुआ देख कर संगनियन थोड़ा गुस्से से देखती है तो शनी कहता है कि तुम्हें किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात करनी चाहिए। सोमनियन कहती है कि काफी अच्छा आइडिया, मैं जाकर जंगजाओ से बात करती हूँ। शनी कहता है कि उसको भी तुम्हारी तरह कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। सोमनियन कहती है कि फिर मैं किससे बात कर सकती हूँ। अब शनी सोमनियन को इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। सोमनियन हैरान होते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। शनी कहता है कि हाँ। ये सोमनियन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम हल करने के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगली सुबह ये दोनों बाहर आ जाते हैं। शनी सोमनियन के साथ अपनी पिक्चर खींचता है। सोमनियन कहती है कि क्या ये करना जरूरी है। शनी कहता है कि प्यार मोमेंट्स का ही तो नाम है, तुम्हें इन मोमेंट्स को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद शनी सोमनियन को लेकर हॉन्टेड हाउस में आ जाता है। ये इसको ये एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा होता है कि जब एक लड़की डरती है तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ होने की वजह से वो सेफ फील करती है। लेकिन जैसे यहाँ पर भूत दिखाई देता है तो शनी इस भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोमनियन तो बिल्कुल नॉर्मली दिखाई दे रही होती है। फिर शनी सोमनियन को अपने साथ ट्रिप पर ले आता है और कहता है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर खींचता है। ये सोमनियन की पिक्चर्स खींच रहा होता है। जब ये पिक्चर्स सोमनियन को दिखाता है तो उसने बहुत ही बुरी पिक्चर्स खींची होती है। ये देखकर सोमनियन और शनी का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। वापस आने के बाद सोमनियन कहती है कि तुम तो अपने आप को एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान कहते हो लेकिन मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। शनी कहते है कि थ्योरेटिकली तो कोई मसला नहीं है, मसला तो मुझे तुम में लगता है। ये सुनकर सोमनियन कहती है कि मुझे तुमसे मशवरा नहीं लेना चाहिए बल्कि ऑनलाइन ही कुछ सर्च कर लेना चाहिए। सोमनियन जब इंटरनेट पर सर्च करती है तो वहाँ पर वो सारी चीजें लिखी आ रही होती है जो इसने शनी के साथ की होती है। सोमनियन कहती है कि तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। शनी कहता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम दोनों एक जैसे हैं। ये कहकर शनी भाग जाता है। आज मिस्टर लॉ इनको बता रहे होते हैं कि अब ये लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं और इन प्रोजेक्ट्स में दूसरी टीम की मेंबर्स भी इनकी मदद करने वाली हैं। यूसी शौके से कह रही होती है कि ये फैंग जिंग जिंग की शुमू से बिल्कुल नहीं बनती, आखिर ये हमारी टीम में क्या करने के लिए आई है। शौके कहता है कि ये चांगजाओ की कंपनी के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट हमें मिला ही नहीं। मिस्टर लॉ कहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट में शुमो और फैंग जिंगजिंग एक साथ काम करेंगी। फैंग जिंगजिंग शुमो को बोलने का मौका ही नहीं देती और मिस्टर लॉ से कहती है कि हम दोनों अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये दोनों सब काम कर रही होती है तो फैंग जिंगजिंग कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलने वाला है। अब मिस्टर सिंह यहाँ पर आ जाते हैं। फैंग जिंगजिंग कोशिश कर रही होती है कि शुमो तो मिस्टर सिंह से बात ना ही करे। शुमो मिस्टर सिंह को जब अपना प्रपोजल दिखाती है तो फैंग जिंगजिंग कहती है कि मैं पहले ड्रिंक कर लेना चाहिए। मिस्टर सिंह जब इसकी बात मान जाते हैं तो शुमो देखती है कि फैंग जिंगजिंग ने इसका प्रपोजल अपने पास रख लिया है। डिनर के दौरान फैंग जिंगजिंग अपनी मीठी बातों से मिस्टर सिंह को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि आपको प्रोजेक्ट मुझे ही देना है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से शुमो के स्टमक में दर्द हो रही होती है। दूसरी तरफ चांगजाओ भी डिनर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर आया होता है। अब चांगजाओ जब बाथरूम के लिए जा रहा होता है तो फैंग जिंगजिंग इसको देख लेती है, कहने लगती है कि मैं शुमो की कुलीग हूँ। चांगजाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इसको बताने लगती है कि आपने तो हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है तो हम यहाँ पर मिस्टर जेंग से बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए हैं। फैंग जिंगजिंग चांगजाओ से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आपने सही फैसला किया है क्योंकि शुमो में बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है। ये बात सुनकर चांगजाओ को बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह शुमो को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। शुमो मिस्टर सिंह को मना करते हुए कहती है कि अगर मैंने ये ग्लास भी पी लिया तो मुझे डर है कि मुझे अपने प्लान्स भूल जाएंगे। लेकिन मिस्टर सिंह कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे फिर ही मैं तुम्हारा प्रपोजल देखूंगा। ये सुनकर शुमो को ड्रिंक करना ही पड़ता है लेकिन मिस्टर सिंह तो शुमो को एक और ग्लास पीने के लिए कह रहे होते हैं। शुमो की तबीयत खराब हो जाती है इसलिए जल्दी से बाथरूम के लिए भाग जाती है। शुमो यहाँ पर फैंग जिंगजिंग को देख लेती है। ये जांगजाओ से इसकी बुराइयाँ कर रही होती है। फैंग जिंगजिंग कहती है कि जिस तरह की पर्सनालिटी शुमो की है वो आपको डिजर्व नहीं करती, अच्छा आपने उसे ब्रेकअप कर लिया है। जांगजाओ कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि मैंने शुमो से ब्रेकअप किया है। फैंग जिंगजिंग प्रपोजल के बारे में पूछ लगती है तो जांगजाओ कहता है कि मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। ये सुनकर फैंग जिंगजिंग यहाँ से चली जाती है। शुमो जांगजाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जांगजाओ कहते हैं कि मैं डिनर के लिए आया था। इतने में ही मिस्टर सिंह शुमो को फिर से ड्रिंक करने के लिए बुला रहे होते हैं। शुमो की हालत देखकर जांगजाओ कहता है कि हम घर चलते हैं। शुमो कहती है कि हमें तुम्हारी कंपनी का भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, अब मैं ये प्रोजेक्ट खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जांगजाओ शुमो को लेकर अंदर आ जाता है। मिस्टर सिंह जांगजाओ को यहाँ पर देखकर बहुत खुश जाते हैं और बैठने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन जांगजाओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ।
कि सुनते ही मिस्टर सिंह तो बहुत ही ज्यादा नाइसली शुमो से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और ये शुमो से सॉरी करने लगते हैं। चंगसाओ कहता है कि कोई बात नहीं, ये शुमो को यहाँ से लेकर चला जाता है। घर पर आकर शुमो चंगसाओ को थैंक्स कर रही होती कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो शायद अभी तक मुझे उनके साथ ड्रिंक करना पड़ रहा होता। चंगसाओ इसको सूप देता है। शुमो जब ये सूप ट्राई करती है तो कहती है कि तुम वाकई में बहुत अच्छे कुक हो। चंगसाओ कहता है कि अब्रॉड रहने की वजह से मुझे कुकिंग सीखनी पड़ी। शुमो कहती है कि मेरी मॉम भी मुझे बहुत फोर्स करती है लेकिन मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। चंगसाओ कहता है कि तुम्हें खाना बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है। शुमो कहने लगती है कि तो क्या तुम सारी जिंदगी मेरे लिए खाना बनाने वाले हो। ये कहकर ही जल्दी से सूप पी लेती है जिसकी वजह से इसकी जुबान चल जाती है। ये देखकर चंगसाओ कहता है कि तुम्हें आराम से पीना चाहिए। ये शुमो को बताता है कि मैंने प्रपोजल वाला मसला हल कर लिया, तुम्हें बस अच्छी खबर का इंतजार करना है। अगले सुबह मिस्टर लाओ अपनी टीम को ये खुशखबरी दे देते हैं कि इनको चंगसाओ की कंपनी का प्रपोजल मिल गया है। आज सोनिया देखती है कि एक बच्चा शेनी की स्वेटर का धागा खींच रहा है। शेनी इसको मना भी कर रहा होता लेकिन ये बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। ये देखकर सोनिया इस बच्चे के पास आते हैं, उसको गुस्से में कहती है कि तुम इसको छोड़ दो। ये सुनकर ये बच्चा रोने लगता है। इतने में इसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं तो ये अपने डैड से शिकायत करता है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। इसके डैड कहने लगते हैं कि तुम इस बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो। सोनिया कहने लगती है कि आपका बेटा शेनी को तंग कर रहा था, लेकिन इसके डैड कहे जा रहे होते हैं कि वो तो बच्चा है। सोनिया बहुत अच्छे से शेनी की साइड ले रही होती है। ये देखकर इस बच्चे का डैड कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ स्वेटर के लिए। अपनी पॉकेट से पैसे निकालते तो सिर्फ 60 यौन ही होते हैं। ये देखकर सोनिया 200 यौन देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे बेटे के इमोशनल डैमेज के लिए। ये कहकर सोनिया शनि का हाथ पकड़ते और उसको यहाँ से लेकर जाने लगती है। आज सोनिया को ऐसे देखकर शनि को काफी अच्छा लग रहा होता है। एक्चुअल में ये बच्चा शनि के टीम लीडर का होता है। तो सोनिया इसे कहने लगती है कि क्या ये पार्ट टाइम जॉब करना तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है। शनि कहता है कि हाँ, बस मुझे 3 महीने ही तो काम करना है। ये अपने डैड के बारे में इसको बताने ही वाला होता है। तो सोनिया कहती है कि अगर तुम्हारे डैड को इस सब के बारे में मालूम होगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। शनि कहता है कि अगर मेरे डैड को इस सब के बारे में मालूम हो जाए तो वो मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। सोनिया कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स करना जरूरी है, लेकिन तुम्हें कल ही इस जॉब से रिजाइन देना होगा। दूसरी जॉब ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शनि कहते हैं लेकिन मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो मुझे पैसे दे या ना दे। ये सुनकर सोनिया गुस्सा हो जाते कहने लगती है कि तुमसे बात करना ही फजूल है। ये कहकर ये चली जाती है। अब रात में सोनिया इसी बारे में शुमो से बात कर रही होती है कि मिस्टर साउस पर चिल्ला रहे थे लेकिन शनि ने उनको कुछ भी नहीं कहा। शुमो कहती है कि तुम्हें उसके मसले में नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम्हारी वजह से उसकी जॉब चली गई तो वो क्या करेगा। सोनिया कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर मेरे सामने कोई किसी को बुरी करे। लेकिन शुमो कहती है कि मुझे काम करना है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब सोनिया शनि को कॉल करती है तो शनि का नंबर बंद जा रहा होता है। सोनिया कहती है कि क्या ये कहीं सेट तो नहीं हो गया मेरी वजह से। दूसरी तरफ शुमो चंगसाओ के डिनर पर इंतजार कर रही होती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।